उधर झाबुआ में व्यापम की कवरेज के दौरान संदिग्ध हालात में मौत के बाद टीवी पत्रकार अक्षय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं। झाबुआ में संदिग्ध हालत में मौत के बाद टीवी पत्रकार अक्षय सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। दाहोद प्रशासन ने पीएम रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अक्षय की मौत की वजह साफ नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अक्षय के शरीर पर बाहरी या अंदरूनी चोट के निशान नहीं। उनका फाइनल कॉज ऑफ डेथ विसरा हमने प्रिजर्व करके एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा है, वहाँ से जो भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद फाइनल कॉज ऑफ डेथ हम रिपोर्ट में सबमिट करेंगे। इस रिपोर्ट के बाद शिवराज सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कल के बयान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विजयवर्गीय ने कल मीडिया के सामने सफाई देते हुए कहा था कि अक्षय की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सुनिए विजयवर्गीय का कल का बयान। ये सभी इत्तेफाक है, पत्रकार महोदय की उम्र बहुत कम थी, पर जो मुझे अभी तक अपुष्ट जानकारी मिली है डॉक्टर से जो मैंने टेलीफोन पर बात की है कि उनका हार्ट अटैक ही हुआ है वहाँ पर, और निश्चित मौत तो मौत होती है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, पर इसके ऊपर शंका करना किसी के ऊपर भी मैं उचित नहीं मानता। अब सवाल ये उठता है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह साफ नहीं है, तो विजयवर्गीय कल किस आधार पर अक्षय की मौत हार्ट अटैक से होने का दावा कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय अपने एक और बयान की वजह से सुर्खियों में है। सुनिए अक्षय को लेकर विजयवर्गीय ने कल क्या कहा था। पत्रकार हमसे बड़ा पत्रकार है क्या। हालांकि बाद में विजयवर्गीय ने अपने बयान पर सफाई दी और आज वो अक्षय के परिवार से मिलकर संवेदना जताने पहुंचे। दूसरी ओर अक्षय की बहन की मांग स्वीकार करते हुए एमपी के सीएम शिवराज सिंह अक्षय के विसरा की जांच दिल्ली के एम्स और हैदराबाद की लेबोरेटरी में कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्ष पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ा घोटाला है और इसमें कब तक सीबीआई की जांच से मुख्यमंत्री जी बचते रहेंगे, उन्हें स्वयं को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, उन्हीं के हित में है ये। और इस प्रदेश के कितने नौजवानों की मौत आप कराओगे और कितने प्रदेश के नौजवानों का भविष्य आप खराब करोगे। अगर आप पाक साफ हो और आपकी सरकार के नुमाइंदों ने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आप बार बार सीबीआई की जांच से क्यों भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कल कहा था कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज उनकी तरफ से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर इसे नकार दिया। मेरा ऐसा मानना है कि उच्च न्यायालय पर हमें विश्वास करना चाहिए, पर उसके बाद भी यदि इस जांच में किसी प्रकार की कोताही दिखेगी तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो मैं कहूंगा सीबीआई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की कमेटी बनाए तो फिर से इसकी जांच। शक जताया जा रहा है कि घोटाले की कवरेज के लिए गए पत्रकार अक्षय भी व्यापम के काले नेटवर्क का शिकार बन गए। व्यापम भर्ती घोटाले से किसी न किसी तरह से जुड़े 40 से ज्यादा लोग अब तक बेमौत मारे जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना दामन पाक साफ करने के लिए एसआईटी चीफ को अपनी जांच जल्द से जल्द पूरा करने के लिए खत लिख दिया है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया और सरस्वती चंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।